हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग हैरियत से होंगे। तो जनाब, रायद ने साइकिल चलानी सीख ली है और सिर्फ एक दिन में। कल के दिन में मैंने वीडियो बनाई थी और आपने देखा कि रायद को बिल्कुल भी साइकिल चलाना नहीं आती थी, और आज सेकंड डे है और रायद ने बिल्कुल सही साइकिल चलाना शुरू कर दी है। और यकीन मानिए कि जब मैंने साइकिल चलाना स्टार्ट की थी तो मुझे 3 से 4 दिन लगे थे और मुझे बहुत सारी चोटें लगी थी, और तब जाकर मैंने साइकिल सीखी थी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आजकल के बच्चे कितने तेज़ हैं और इतनी जल्दी कैसे सीख जाते हैं। तो रायद, कैसे आपको इतनी जल्दी साइकिल चलाना आ गई है? अल्लामिया ने बताया। अल्लामिया ने बता दिया आपको? वाह, इसको अल्लाह ताला जो है ना वो ख्वाब में भी आते हैं और वो इसको हर चीज़ बताते हैं और ये फ़ौरन सीख जाते हैं। तो रायद, हमने इसी खुशी में आपकी एक हमने सेलिब्रेशन रखी है। पूछें क्या? पिज्जा नहीं, बर्गर। यस, हमने बर्गर्स मंगवाए हैं और बाबा आज स्पेशली आपके लिए बर्गर्स लेकर आए हैं, सिर्फ इस खुशी में कि जनाब रायद ने साइकिल चलाना सीख ली है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। तो रायद, ऐसे नहीं, इसके आप देखो, इसके ऊपर बैठोगे तो आप प्रैक्टिस करोगे ना कुछ, ऐसे तो आपको नहीं आएगी ये चलानी। हाँ, ऐसे नहीं आएगी आपको। आप इसके ऊपर बैठे और मैं आपकी ट्रेनिंग करवाती हूँ। ठीक है, मैंने आपको रूल नंबर 1 क्या बताया? बताएं क्या बताया रूल नंबर 1? बताएं रूल नंबर 1 क्या बताया मैंने? ऊपर रखना है, बिल्कुल। हाँ जी, थक गए हैं रायद को प्रैक्टिस करवाते करवाते, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं आया उसको, 0 इम्प्रूवमेंट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग हैरियत से होंगे। तो जनाब, रायद ने साइकिल चलानी सीख ली है और सिर्फ एक दिन में। कल के दिन में मैंने वीडियो बनाई थी और आपने देखा कि रायद को बिल्कुल भी साइकिल चलाना नहीं आती थी, और आज सेकंड डे है और रायद ने बिल्कुल सही साइकिल चलाना शुरू कर दी है। ये देखिए माशाल्लाह, आज सेकंड डे है और रायद में कितनी इम्प्रूवमेंट आ चुकी है। जस्ट ये कल की इसकी आपने देखी है कि वो बिल्कुल भी साइकिल को नहीं चला पा रहा था, और आज इसका सेकेंड डे है और माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त तरीके से उसने चलानी भी सीख ली है। तो ये है जनाब रायद की इम्प्रूवमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोशिश कामयाब हो गई। और मैंने, यकीन कीजिए, मैंने इतनी जल्दी नहीं सीखा था, मुझे टाइम लगा था, मैं 2 से 4 दिन में गिरती रही हूँ, फिर जाकर सीखा है। और यकीन मानिए कि जब मैंने साइकिल चलाना स्टार्ट की थी तो मुझे 3 से 4 दिन लगे थे और मुझे बहुत सारी चोटें लगी थी, और तब जाकर मैंने साइकिल सीखी थी। लेकिन मैं हैरान हूँ कि आजकल के बच्चे कितने तेज़ हैं और इतनी जल्दी कैसे सीख जाते हैं। तो रायद, कैसे आपको इतनी जल्दी साइकिल चलाना आ गई है? अल्लामिया ने बताया। अल्लामिया ने बता दिया आपको? वाह, इसको अल्लाह ताला जो है ना वो ख्वाब में भी आते हैं और वो इसको हर चीज़ बताते हैं और ये फ़ौरन सीख जाते हैं। तो रायद, हमने इसी खुशी में आपकी एक हमने सेलिब्रेशन रखी है। पूछें क्या? पिज्जा नहीं, बर्गर। यस, हमने बर्गर्स मंगवाए हैं और बाबा आज स्पेशली आपके लिए बर्गर्स लेकर आए हैं, सिर्फ इस खुशी में कि जनाब रायद ने साइकिल चलाना सीख ली है। ठीक है, तो चलो आओ देखते हैं। तो जनाब, यहाँ पर पड़े हुए हैं बर्गर्स जो कि अभी अभी आए हैं गर्मा गर्म, और ये किस जगह से आए हैं, जिस भी जगह से आए हैं मैं बताऊँगी आप लोगों को ज़रूर, कि आप लोगों को अगर इस तरह के स्पेशल बर्गर्स चाहिए हों तो कहाँ से आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इनके बर्गर्स होते हैं, और अभी खाएंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे कि टेस्ट कैसा है। वैसे मैं पहले एक दफ़ा खा चुकी हूँ, ये बहुत टेस्टी होते हैं। रायद, आपको बाबा बुला रहे हैं, चले चले शाबाश। रायद को शर्म आ रही है जनाब। यार, आप तो वाकई में बहुत स्मार्ट बॉय हो। ये शिवा से भी ज्यादा शिवा से तेज। अच्छा, आप भी शिवा बन गए हो? जी। वाओ, मुझे बहुत खुशी हुई आपने साइकिल चलाई। मैं इससे भी ज्यादा तेज बन गया, शिवा से भी ज्यादा तेज बन गया। ओह माय गॉड, तो आप इसके लिए क्या लेके आए आज? मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई है, इसने साइकिल चलानी सीख ली, और वो भी एक दिन में। और इसके लिए मैं बर्गर्स लेके आया जो इसकी फेवरेट है। इसकी बर्गर के साथ हम लोग इसकी सेलिब्रेशन, ठीक है, और केक भी इंशाल्लाह काटेंगे। ठीक है, जल्दी तो है, वो तो केक भी लाएंगे बाद में, लेकिन केक जो है वो हम किसी और दिन के लिए रखेंगे, लेकिन ठीक है। हाँ, वो इसके फेवरेट है, इसलिए हम लोगों ने आज ठीक है ठीक है। और कारिम जनाब पहले ही वहाँ पर वेट कर रही है, कारिम हमेशा पहले सेट हो जाती है। चले भाई, चले जल्दी से स्टार्ट। ये जी यहाँ के बर्गर्स हैं, ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, वहाँ से लेके आए हम लोग। तंदूरी हाँ, तंदूरी है इनका। हाँ, ठीक है जी, से हम लोग बर्गर लेके आए। और ये तालिन में ही है यहाँ पे? हाँ, ये तालिन। ठीक है, और ये
kind of like halal food sell कर रहे हैं और अच्छा ठीक है ये halal food है वगैरह जो है उनसे लेते हैं ठीक है और ये जरा चेक करवाओ ना बर्गर कैसा है कि पहले मैं राइट को दूँ ना ये राइट ये आपका बर्गर माय करिंग का I'm really happy कि आप एक ही दिन में साइकिल चलाना सीख ली मुझे बहुत खुशी है इस चीज की अच्छा ये जरा बर्गर खोलो ना इसको चेक करें ये हैं जी बर्गर जबरदस्त मैंने तो वैसे पहले भी खाया भाई बहुत टेस्टी है चलें अच्छा है अगर आप मुझे तो ये वाले बर्गर बहुत अच्छे लगते हैं इवन KFC से भी ज्यादा अच्छा लगता है चलो अच्छा है अगर आपको पसंद है बहुत आप लोगों को कैसा टेस्ट लगा मुझे KFC ज्यादा अच्छा KFC ज्यादा अच्छा लगता मुझे तो ये अच्छा लगा तू किस में मेरे पाकिस्तान की खुशबू है कुछ दिन रुक जाओ ये खुशबू जो है ना उड़ जाएगी नहीं उड़ती हम सच्चे पाकिस्तानी हैं हम भी सच्चे पाकिस्तानी हैं हम सच्चे पाकिस्तानी हैं क्यों भाई अगर मैं सही हूँ या ये सही है आप लोगों ने जरूर बताना मुझे ठीक है ना हम भी सच्चे पाकिस्तानी ये जो पाकिस्तानी है ना ये बाहर आके बल्कि मजीद बढ़ जाती है इसमें कोई शक नहीं हाँ ये कम नहीं होती बढ़ जाती है हम लोगों ने पाकिस्तान को बनाया होता है कि भाई पाकिस्तान एक वो ये एक ऐसा कंट्री है कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री ऑफ टू लिव इन पाकिस्तान लेकिन इन रियलिटी ऐसा कुछ भी नहीं है जब आप बाहर जाते हैं हमारे मुल्क के लिए प्यार इज सेपरेट बट इफ यू कंपेयर जब आप कंपैरिजन करते हैं कंपैरिजन नहीं आप कर सकते करना पड़ता है हर चीज का कंपैरिजन होता है तो बर्गर जनाब बहुत ही टेस्टी है इसकी डिटेल्स जो है मैं आपको साथ जो है ना वो सेंड करूंगी और आप लोगों को बताऊंगी कि ये वाले बर्गर्स कहाँ से मिलते हैं आप लोग भी जरूर ट्राई कीजिएगा फिर मिलेंगे मुझे तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत अल्लाह हाफिज़